आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ Hello student question is given that a uh, soap bubbles can be formed floating in air by a blowing soap solutions in air right with the help of glass tube बट नॉट वाटर बबल इट इज बिकॉज मतलब यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है बच्चों ऑप्शन अच्छा, भी यहाँ पे रीड कर लेते हैं पहले दी एक्सेस प्रेशर इन साइड दी वाटर बबल बींग मोर ड्यू टू लार्जर सरफेस टेंशन अगर हम यहाँ पे देखते हैं बच्चो बी एक्सेस प्रेशर इन साइड दी वाटर बबल बीइंगस ड्यू टू लार्जर सरफेस टेंशन सी एक्सेस प्रेशर इन साइड दबल बी लार्जी बच्चों तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बच्चों हमें यहाँ पे दे रखा है सॉफ बबल है ठीक है उससे क्या करता है बच्चों अगर वो एयर पे फ्लोट कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों की अगर अब ये किसके सहायता से ग्लास ट्यूब की सहायता से हम देखते हैं बच्चों कि अगर हम सॉप बबल के सोल्यूशन पे एयर ब्लो करते हैं ठीक है तो फ्लोट करता है बट वाटर बबल में ऐसा नहीं होता है तो उसके पीछे क्या रीज़न है तो देखिए बच्चों अगर हम सॉप बबल को क्या करते हैं सॉप बबल के सोल्यूशन को अगर हम एयर ब्लो करें तो हमें पता है कि बहुत सारे छोटे छोटे शॉप बबल्स क्या हो जाएंगे बच्चों फ्लोट करने लगेंगे ठीक है तो ऐसा क्या होता है बच्चों कि वाटर में नहीं होता लेकिन ये शॉप बबल में होता है तो देखिए बच्चों इसके पीछे क्या रीजन है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सेस प्रेशर अगर हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों किसी भी ड्रॉप में ठीक है तो किसी भी ड्रॉप के लिए अगर हम देखें बच्चों जो एक्सेस प्रेशर है वह होता है फोर एस बाई आर ठीक है आर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस बबल का रेडियस और एस क्या हो जाएगा अब बबल अगर वाटर का है तो वाटर का सरफेस टेंशन हो जाएगा बबल अगर शोप का है तो शोप का क्या हो जाएगा सरफेस टेंशन हो जाएगा राइट तो हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि अब क्या होता है कि यहाँ पे अब देखिए फोर और आर तो मान लेते हैं अगर फॉर uh, एग्जांपल अगर कांस्टेंट है ठीक है तो हम क्या देख सकते हैं बच्चों कि डेल्टा पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सरफेस टेंशन के ठीक है इसका मतलब यहां पे यह हुआ बच्चों कि सरफेस टेंशन अगर कम होगा तो एक्सेस प्रेशर कम हो जाएगा बच्चों अगर एक्सेस प्रेशर कम हो गया बच्चों तो हम क्या देखते हैं कि आसानी से फ्लोट कर जाएगा कहां पे बच्चों एयर पे ठीक है तो अब देखिए अगर हमें पता है बच्चों कि सरफेस टेंशन किसकी बात करते हैं अगर हम शोभ की बात करें बच्चों ठीक है और वाटर की बात करते हैं ठीक है थीके? तो हमें पता है बच्चों कि इसका सरफेस टेंशन ज्यादा है वाटर का ठीक है वाटर का सरफेस टेंशन एस यहां पे क्या है बच्चों सरफेस टेंशन ये लिख लेते हैं सरफेस टेंशन वाटर का सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चों ज़्यादा अगर जिसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा उसमें एक्सेस प्रेशर ज्यादा होगा और एक्सेस प्रेशर ज्यादा होगा तो वो क्या होगा एयर में फ्लोट नहीं कर पाएगा आसानी से ठीक है और सोप में क्या होता है बच्चों की शोप में हमें पता है कि एक्सेस सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चों कम और सोप का अगर सरफेस टेंशन कम हुआ तो हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों की एक्सेस प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा सोप का वो कम होगा और अब एक्सेस प्रेशर शो बबल के अंदर होता है ठीक है और ये एक्सेस प्रेशर वाटर बबल के अंदर ज़्यादा रहेगा अगर जिस जहाँ पे अगर एक्सेस प्रेशर ज़्यादा है तो क्या होगा एयर पे फ्लोट नहीं कर पाएगा तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड दी वाटर बबल बीइंग मोर ड्यू टू लार्जर सरफेस टेंशन बिल्कुल सही बात है बच्चों वाटर के अंदर ज़्यादा सरफेस टेंशन होने के कारण हम क्या देख रहे हैं कि एक्सेस प्रेशर ज़्यादा होगा और ज़्यादा एक्सेस प्रेशर के कारण क्या होता है बच्चों ये सो वाटर बबल जो है एयर पे